जी अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। Shit, you go crazy. RPG to GM&S. Gang, 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 gang. Them bullets rain. If my mans fall down, he say no names. Respect the game for my niggas in the chain gang. Behind the cage, we gon' blow up back a day. Hey. The streets my safe, yeah. Gang, 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 gang. I'm spitting pain. My big bro is swirling gang bang. It's just a phase. In the spot, we got the blanks. So swipe the face. Couple bins up on the chain. In a life that got in, oh so dark, a life that falls apart, my heart been torn apart, I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life, I'll probably never change, even though I like to. We have done it, in a very different way. Sheikh Arman. Ismail. Finally. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। या अली। पाकिस्तान जिंदाबाद। हसन भाई। ओह नो। आसान भाई
जी अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इससे पहले भी हम ये ट्रेल 5 के ऊपर हाइकिंग तो करते थे, हम कई दफ़ा यहाँ पे आए और बहुत सारे इवेंट्स भी हमने वहाँ नीचे किए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर आने का कभी हमें इत्तेफाक नहीं हुआ आज, क्योंकि हमें बहुत अच्छी एक तो टीम मिल गई थी और उसके साथ साथ हमें बहुत अच्छा गाइड करने वाले लोग जैसे इस्माइल साहब और बाकी बहुत अच्छी हमारी टीम थी, उन्होंने हमें गाइड भी किया। तो हमने इजी ट्रैक चूज़ करने के बजाय हमने डिफ़िकल्ट जो चैलेंजिंग ट्रैक था हमने वो चूज़ किया, और वो चूज़ किया हमने, बहुत ज़्यादा थ्रिल हुआ, बहुत ज़्यादा उसमें हमने इंजॉय भी किया है, बहुत हमें चैलेंजेस भी आए हैं। लाइक वो ट्रेल तो था ही नहीं, हमने खुद उसको झाड़ियों को यूं यूं करके हमने उसको ट्रेल बनाया और उसके साथ साथ फिर हम आगे यहाँ तक पहुँचे। तो अभी हमारा बहुत थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। इतना मुश्किल ट्रैक हम करके यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो ये सामने ये जो जितना बिग रॉक हमें नजर आ रहा है ये तो मेरे लिए कुछ मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मैं सोचता हूँ इस पे तो मैं यूं चुटकी में चला जाऊँ। तो आप बाकी लोगों को एडवाइस करेंगे या किस तरह के लोगों को इसके ऊपर आना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जो हाइकिंग का जुनून जिनके अंदर है ना, जिनके अंदर ये पैशन है कि वो हाइकिंग करें, ट्रेवलर हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। और जो लोग थोड़े से लाइक डरते हैं या ट्रेल के ऊपर नहीं हाइक कर सकते या घबराते हैं या चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए, उनके लिए ये रास्ता है। इस रास्ते से वो नॉर्मल ट्रैक से आ सकते हैं, वो भी यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन जो कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं, जो कुछ जितने भी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो उसको भी उबूर करने की सलाहियत रखते हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। और बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स की आवाज़ें हमें आई हैं और बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज हमने कैच की हैं। तो मैं एक बार इन सारी टीम का भी शुक्रिया भी अदा करूंगा और उसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे भी हम यहाँ पे ज़रूर आया करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सही डायलॉग चेंज कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी इस्माइल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यू लुकिंग फ्रेश एज यूजुअल। सो आज आपने ट्रेल 5 के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट हाइक की और आपने हमें भी गाइड किया, तो आप थोड़ा सा अपने व्यूज देना चाहेंगे ट्रेल 5 की हाइक के हवाले से? यार ट्रेल 5 बेसिकली ना एक आप कह लें कि एक बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म का ट्रैक है, इसमें आप इजी रूट भी अख्तियार कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी, और इनसेनली डिफ़िकल्ट रूट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हाइकर हैं। आज जो हमने रूट अडॉप्ट किया वो बिल्कुल ही हट के, जहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में बारबेक्यू का पॉइंट आना, वहाँ से हमने एक ट्रेल एक इख्तियार किया था और उसको मोस्टली जो है ना फायर लाइन रूट कहते हैं। वो ट्रेल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इतना ज़्यादा स्टीप नहीं था है जितना नॉर्मली एक फायर लाइन का ट्रैक होता है, लेकिन ये था कि झाड़ियाँ बीच में काफ़ी ज़्यादा थी, पत्थर थे, ट्रैक बना हुआ नहीं था, हमने इनफैक्ट ट्रैक हम बना के आए हैं।
दैट वाज अ प्रॉब्लम, हमारी बाजू वगैरह सारे सर के देखे सारी के सारी छिल गई है, ठीक है। और इवन के हमारे जो शूज है उनके अंदर भी कांटे अभी भी जो है ना, वो कांटे हमारे, हम बस कांटे ही निकाल रहे हैं बैट। That was a difficult part. अभी हम स्टार्ट में सर कितने लोग थे, 20 लोग होंगे, 12-13 लोग, हाँ 12-13 लोग थे। हम सिर्फ 4 बंदे पहुँचे हैं फिलहाल, बाकी पीछे बाकी अभी पीछे कुछ लगे हुए आगे पीछे बातें करने में। सही है। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ये जो रूट जिस पे हम आए ये फीमेल्स के लिए कम्फर्टेबल है या नहीं है? फीमेल्स अगर आप समझते हैं कि दे आर प्रोफेशनल यार, इस तरह की बोल रहे हैं वो ऑफनली या फ्रीक्वेंटली हाइक पे आती रहती हैं, दैट इज़ गुड, ठीक है। और ये बाया वगैरह पहन के और इस तरह के, तो फिर उनके लिए डिफिकल्ट। अदरवाइज अगर आप सिर्फ मेल्स हैं और हौसले वाले मर्द, ठीक है, अगर आपको जो है पता है कि आप कर लेंगे फिर आप इस रूट पर आएँ, अदरवाइज जो नॉर्मल रूट है वो जो नॉर्मल ट्रैक है उस पर आए तो दैट इज़ गुड, उस पर आना होगा। तो अभी आपका ऑलमोस्ट ये ट्रैक कम्प्लीट हो चुका है या थोड़ा बहुत रहता है आपका? अगर आप थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट करें और वो सामने जो है वो बिग रॉक उसको देखें तो बस ये रह गया, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे जो है पीर्स बावा रोड होती है, और पीर्स बावा रोड से अगर आप राइट मूव करें तो पीर्स बावा आ जाएगा, और लेफ्ट मूव करें तो आगे पास 7 किलोमीटर से मनाल है। सही है। बाय रोड जी। अली अदनान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी ट्रेल 5 फायर लाइन किया है जी जी, साहब की गाइडेंस में इस साइड से आए हैं हम लोग। ये वाला नॉर्मल ट्रैक है। अच्छा। और मोस्टली लोग इधर से ही आते हैं और हमेशा हम इस साइड से ही आते हैं। सही है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बड़ा मज़ा आया, एक्सेप्ट कि जो झाड़ियाँ वगैरह खारदार थी हमें काफ़ी कांटे वगैरह चुभे, अदरवाइज अच्छा एडवेंचरस था, मज़ा आया। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप ये बताना चाहेंगे आपने ये ईजी ट्रैक को छोड़कर आपने डिफिकल्ट ट्रैक को क्यों चूज़ किया? जस्ट फॉर एडवेंचर, और उसके अलावा ये है कि कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि इससे तो हम 100 दफा आ चुके हैं पहले। सही है। एक ही ट्रैक पर वाकई मतलब बोर हो जाते हैं, एक ही चीज से बार बार आप आके बोर हो जाते हैं। समथिंग न्यू किया आपने, न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने जो है इसको चूज किया। ये आपके हाथ में क्या आपने उठाया हुआ है? ये वहाँ शुरू में पाइन सिट एरिया से मैंने उठाया था निशानी। ओके यस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मतलब मुझे कुछ झाड़ियों को भी साइड में करने में सपोर्ट मिली है। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो मजा आया। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद हाइकिंग क्लब पाकिस्तान, पाकिस्तान।